सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे. ओके, आज हम क्या करेंगे बेटा? कक्षा 3 विषय हिंदी में आज हम पार्ट 4 का अभ्यास करेंगे. केवल हम इसको रीड करेंगे. ओके, एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसका बाद में कराऊंगी. और लाइव क्लास में तो हमने ये लेसन कर ही लिया है ना, और आप लोग भी अच्छे से लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो बेटा, अच्छा लगता है ना. मैम पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी लाइव क्लास अच्छे से अटेंड करते हो, तो करना चाहिए ना आपको, है ना, पढ़ना चाहिए. पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा हमको, है ना. क्योंकि अभी प्रॉब्लम ऐसा चल रहा है कि अपन लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए आपको अच्छे से लाइव क्लास में ध्यान से पढ़ना है. ओके, और कभी कभी नेटवर्क इशू या आपको समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़, या मैडम का क्लास कभी मिस हो जाता है ना आपकी वजह, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, तो इसलिए हम आपको वापस से ये वीडियो भी भेजते हैं ना, जिससे आप लोग नहीं समझ में आए तो आप वीडियो में देख सकते हो. ओके, और आप लोगों ने मैंने जो PDF आपको भेजा है शायद वो भी आपने अच्छे से कर लिया होगा. कर लिया ना? ओके, चांद वाली अम्मा का हमने मैंने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भेजा था. अभी नेक्स्ट जो PDF वेनसडे को जाएगा, वेनसडे को मैं आपको और दूसरा भेजूंगी. ओके, चलो तो हम आज निकालते हैं पेज नंबर 29. पार्ट कौन सा है? 4. पार्ट 4 और पेज नंबर कौन सा है? 29. ओके, सब लोग निकालेंगे पेंसिल भी और टेक्स्ट बुक भी. ओके, अब ये पार्ट का नाम है मन करता है. ये कविता है. ओके, मन करता है. अब मन करता है मीन्स जैसे अपना भी मन करता है ना कभी कभी कोई चीज़ करने का, कि आज मेरा ये मन कर रहा है, आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है. कभी कभी किसी भी चीज़ का अपना मन करता है कि मम्मा आज तो ये मन कर रहा है, हमें कहीं घूमने जाना चाहिए. कभी कभी ऐसा भी मन करता है कि अरे हम भी ऐसे रॉकेट में देखें, रॉकेट में चलाएं. कभी किसी को लगता है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, इस तरह से भी. अब इस कविता के अंदर क्या बताया गया बेटा? एक बच्चा है, वो दिख रहा है ना आपको नीचे, ये देखो. इस बच्चे की जो अंदर की जो इच्छाएं हैं, भावनाएं, वो सब इस कविता में बताई गई है कि वो क्या क्या करना चाहता है ना, उस बच्चे को क्या क्या करने की इच्छाएं होती है, तो वो सब चीज़ें इस पार्ट कविता में बताई गई है. तो खाली हम इसको आज रीड करेंगे. ओके, केवल इसको गाकर देखेंगे. ओके, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ लाइव क्लास में तो आई हो, आप लोगों ने कर ही लिया है ना, ये अपन ने कर लिया है, मैंने आपको करा दिया है. लेकिन अभी हम जिसको समझ में नहीं आया है वो हम वापस से एक बार रीड करेंगे. ओके, अब यहाँ से देखते हैं. मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, है ना. आपको भी बोलना है मेरे साथ बेटा गा के, है ना. मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं. और मैंने इसको आपको एक्शन के साथ भी बताया है ना लाइव क्लास में, तो कि किस तरह से हमें एक्शन करना है. तो अब बेटा ये सूरज है, इसको अंडरलाइन करना है ना, और ये दौड़ को अंडरलाइन, और ये अकड़ लिखा है. इसको वापस से एक बार और रीड करेंगे, आप लोग भी साथ साथ में करो, है ना. मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं. अब नीचे वाला पैराग्राफ है. मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं. अभी धौंस लिखा है, इसको भी अंडरलाइन कर लो बेटा, और ये जमाऊं, है ना, इसको भी एक बार और ऊपर से देखते हैं. मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं. फिर मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं. अब ये मूंछ लिखा है, इसको भी अंडरलाइन कर लो, है ना. फिर है मन करता है तितली बनकर दूर दूर में उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं. ओके, अभी दिख रहा है ना बच्चा, तो ये सब चीज़ें कौन कह रहा है? ये बच्चा गा के बता रहा है कि मतलब मेरा मन किस किस चीज़ का करता है. अब जैसे उसका मन कर रहा है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं.
मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौस जमाओ, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाओ। ओके, अब पीछे नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 30। ओके बेटा, पेज नंबर अब देखते हैं 3030। ओके, अब इसमें है मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। ओके, एक बार और देखते हैं इसको, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। फिर नेक्स्ट लाइन है मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। ओके, अब ये चरखी लिखा है बेटा, इसको अंडरलाइन करना है हमको, और ये उड़ाऊं इसको भी और मचाऊं। ओके, अब एक बार और बोल लेते हैं इसको, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। ओके, आगे मैंने अभी क्या बताया इस पार्ट में कि बच्चे की जो इच्छाएं हैं ना, जो अंदर उसके मन में क्या क्या होता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ, इस तरह की जो उसके अंदर जो प्रबल इच्छाएं होती हैं वो इस कविता में बताया गया। तो उसका किस किस चीज़ का मन करता है, कभी उसका सूरज बनने का मन करता है कि मैं सूरज बन जाऊं और क्या करूं, आसमान में दौड़ लगाऊं सूरज की तरह। सूरज कैसे एक दिशा से दूसरी दिशा में, एक तरह से अपन देखते हैं तो सुबह देखते हैं तो सूरज पूरब दिशा में होता है, फिर घूमता है, फिर ऐसे घूमते घूमते शाम को इधर की तरफ पश्चिम दिशा की तरफ आ जाता है ना, इस तरह से सूरज घूमता रहता है ना आसमान में। तो उसका मन भी ऐसा करता है कि सूरज की जैसे घूमूं, कभी उसका मन करता है कि मैं चंदा बन जाऊं, चंदा बन के तारों पर अकड़ दिखाऊं, मतलब जो स्टार होते हैं ना उन पे मैं अकड़ दिखाऊं, कभी उसका मन क्या करता है कि मैं बाबा बन जाऊं, है ना, दादा बन जाऊं, और कभी कभी उसका मन करता है कि मैं पापा बन जाऊं और पापा की जैसी मूछें रखूं बड़ी बड़ी, है ना, इस तरह से उस बच्चे का मन करता है। और कभी वो क्या सोचता है कि मैं चिड़िया बन जाऊँ और चिड़िया बन के क्या करूँ, ची ची चू चू शोर मचाऊँ, मतलब चिड़िया कैसे बोलती है, ची ची चू चू करके बोलती है ना, तो इस तरह से उसका मन करता है कि मैं भी चिड़िया बन जाऊँ और चिड़िया की तरह इधर उधर घूमूँ और आवाज़ करता घूमूँ। ओके, अभी दिख रहा है ना आपको बेटा, ये देखो चिड़िया कैसे दिख रही है, बटरफ्लाई दिख रही है। फिर है मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊँ, कभी कभी उसका मन क्या करता है कि मैं चरखी ले लूँ और कैसी पतंग उड़ाऊँ, लाल पीली पीली पतंग तो कैसी होती है ना, तरह तरह की होती है ना, तो अलग अलग कलरों की होती है। तो उसका मन कभी कभी करता है कि मैं चरखी बन जाऊँ, चरखी जो होती है ना जिसमें हम धागा लपेटते हैं, पतंग जब उड़ाते हैं, जब एक पतंग के लिए धागा जब लेते हैं हम, तो चरखी नहीं होती, बहुत बड़ा चरखा जैसा होता है ना, लकड़ी का होता है, उसमें हम धागा लपेटते हैं और उसमें से धागा बांधते हैं पतंग में, और फिर पतंग उड़ाते हैं ना, सब लोग उड़ाते हो ना पतंग, और पतंग भी कितने कलर कलर की होती है, अलग अलग कलरों की पतंग होती है। ओके, और कभी उसका मन करता है कि मैं तितली बन जाऊँ, बटरफ्लाई देखो ये दिख रही है ना, कि तितली बन के दूर दूर तक, तितली कैसे एक पौधे से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चारों तरफ कितनी दूर दूर तक तितली चली जाती है ना उड़ के इधर उधर, तो उसका मन क्या करता है कि मैं तितली बन जाऊँ और इधर उधर उड़ता घूमूँ। ओके, आपको बेटा मैंने ये लेसन लाइव क्लास में भी हमने पढ़ लिया है ना, यहाँ भी मैंने आपको ये समझा दिया। ओके, और इसका जो ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो मैंने लाइव क्लास में तो आपको करा दी, इसका जो PDF है मैं आपको भेजूंगी वो जब आप इसको करना। ओके बेटा, जो इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है ना, यहाँ से मैंने आपको समझाई थी कि तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों, घर में कौन जमाता है, घर में तो भैया दीदी जमाते हैं ना, अपने से बड़े हैं आपसे, अगर आप क्यों जमाते हैं, जब आप कोई काम नहीं करते, पढ़ते नहीं हो, कोई गलत काम करते हो तो भैया दीदी आपको बोलते हैं ना कि भाई ये काम पढ़ने बैठो फटाफट, लाइव क्लास में नहीं बैठते तो भी आपको डांटते हैं कि फटाफट बैठो होमवर्क करो, है ना, स्कूल में कौन डांटता है, मॉनिटर, जो मॉनिटर होते हैं ना आपको, तो मॉनिटर मैडम बोल के जाते हैं कि इसका जो बच्चे जो कोई बच्चे आवाज़ करे तो उसको बोलना है, तो आप बोलते हो ना कि मैडम आप बोल के गए हैं मेरे को, है ना, इस तरह से स्कूल में कौन करता है हमें, मॉनिटर धौंस जमाता है। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है, तो ये बेटा आपको अपने आप देखना है कि हमारा मन कब करता है चिड़िया बन जाने का, कभी कभी हम
बहुत सारी तरह तरह की चिड़ियाएँ देखती हैं, चिड़ियाँ इधर उधर उड़ती रहती हैं ना, तो उनको देख के हमारा मन चिड़िया बन जाने को करता है। ओके, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में कौन जमाता है? चांद और सूरज, है ना, चांद सूरज बड़े होते हैं। जंगल में शेर अकड़ दिखाता है, सारे जानवरों पर को खा जाता है। नदी में मगरमच्छ, मगरमच्छ बड़ा होता है ना। और खेल में जो कैप्टन होता है खेल का, वो अकड़ जमाता है। स्कूल में मैंने आपको बताया ना, स्कूल में कौन मचाता है? मॉनिटर। और घर में अपने भैया दीदी। ओके, और यहाँ पे बेटा नीचे ये जो पेज नंबर 31 पे ये मूछें दे रखी है ना इसको, कि हमें किस तरह से कौन कौन सी मूछों के नाम मतलब लिखने हैं। मूछ बनी हुई है और कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों का अपने मन से नाम दे दो। अभी ये कौन सी मूछें हो गई, जैसे बनी है राजपूताना, राजपूत जो होते हैं उनकी मूछें, भगत सिंह है ना, भगत सिंह की मूछें, और ये चार्ली चैपलिन जानते हैं ना, ये उसकी मूछें। वो मैं जब आपको PDF भेजूंगी उसमें हम करेंगे। ओके बेटा, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू बेटा।